हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग में। तो भाई आज क्या था, अपना छुट्टी वाला दिन था। और भाई जैसे कि आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो भाई राइड की तैयारी हो रही है, जैकेट वगैरह भी लेके आ चुका हूँ मैं आराम से। तो क्या है भाई, अब हमने क्या सोचा भाई, अपनी बाइक को वॉश वगैरह करते हैं। बाकी काफ़ी दिन हो गए जो हमने अपनी बाइक वॉश नहीं की थी, ऐसी गंदी खड़ी हुई थी क्योंकि उसको चला भी नहीं रहा था। तो मैंने भाई अपनी बाइक खुद से वॉश कर ली है और भाई एक नंबर की, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद क्या रहने वाला है भाई, आज इसका जो पीछे का टायर अगर होता है वो हम हटाने वाले हैं और देखते हैं भाई उसके बाद क्या लुक आने वाली है। तो फटाफट चलते हैं हम वो मैकेनिक की शॉप पे और वहाँ पे जाके इसका टायर अगर हटवा देंगे, उसके बाद लुक देखेंगे। और फिर अगर पसंद आई तो भाई इसके टायर भी चौड़े कराएंगे, वो तो मॉडिफिकेशन की वीडियो में आनी ही आनी है। क्योंकि भाई उससे पहले हमें क्या कराना है भाई, रैप कराना है इसका, जो कि बहुत ही ख़राब हो चुका है। लेमिनेशन कराई थी वो ख़राब हो चुकी है, तो भाई वो भी करानी है। तो इस बार मतलब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा भाई किस टाइप की मैं रैपिंग कराऊं। तो मैंने सोचा यार पहले देख लेते हैं। तो काफ़ी सारी मैंने देखी हुई है, शॉर्ट लिस्ट भी की हुई हैं, बाद में उनको भी कराएंगे। उससे पहले क्या, आज इसका टायर अगर हटाते हैं और इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, बैक टायर किस टाइप से नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ जो कि कैसी दिख रही है अभी वॉश होने के बाद। तो भाई ये खड़ी हुई अपनी फुल ऑल ब्लैक बाइक, और मैं इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि भाई ब्लैक कलर मेरे को बहुत ही पसंद है। तो भाई ब्लैक के अलावा और जो है वो मेरे को अजीब सी लगती हैं, तो वही सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक हो और रैप भी हो जाए और अच्छी भी लगे, ग्राफिक वगैरह भी अच्छे लगें। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई किस टाइप की कराऊँ मैं, किस टाइप की नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, अभी वॉश करके खड़ी हुई है वरना तो बहुत गंदी थी, और अब जाएंगे इस बाइक का अपना ये टायर अगर हटाएंगे और देखेंगे भाई फिर क्या लुक रहने वाला है इसको हटाने के बाद। तो चलते हैं भाई मैकेनिक के पास फटाफट उसकी शॉप पे और इसको हटवाते हैं। हटा तो हम घर पे भी सकते हैं क्योंकि ये नट खोलने, लेकिन हमारे पास क्या है, एल की नहीं है इस साइज़ की, तो वो नहीं है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो है यहाँ पे भी नट लगे हुए हैं, तो इसको भी खोलना पड़ेगा। तो उसके बाद इन दोनों को खोलने के बाद फिर इसका नट खुलेगा। तो इतना क्यों करना, वो 20-30 रुपए लेगा और खोल के दे देगा। तो चलते हैं यार इसके ऊपर बैठते हैं और फटाफट इसको ओपन करवाते हैं और देखते हैं भाई उसके बाद फाइनली क्या लुक आने वाला है। आके दो नट खोलने के बाद हमने क्या करना है, इधर से आके और ये वाली जो है यहाँ से स्क्रू निकाल के एलन की से यहाँ से भी खोल लेना है। तो उसके साथ क्या होगा, आपका ये साड़ी वाला गार्ड और ये टायर अगर दोनों आपके एक साथ निकल जाएंगे, और उसके बाद देखेंगे भाई लुक क्या आएगा टायर का, एक बार आपको दिखाएंगे ज़रूर। और आप घर पर भी खोल सकते हो भाई, लेकिन क्या करें हमारे पास एल की वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ पर आए हैं खुलवाने के लिए। भाई ये हटा चुके हैं हम, जो कि साड़ी गार्ड बोलते हैं, जिसको साड़ी गार्ड हट चुका है। भाई ने बड़ी मेहनत करी है क्योंकि जंग लगने के बाद ना खुल नहीं रहा था। और साथ ही साथ भाई ये अपना नाम भी हट चुका है जिसमें लिखा हुआ है दिल्ली मोटो ब्लॉग, ये हटा दिया है टायर अगर। उसके बाद लुक भाई कुछ इस टाइप की आ रही है, और चल के दिखाते हैं आपको कैसी आ रही है बाद में। तो भाई यहाँ पे खड़ी हुई है अपनी N250, और भाई यहाँ पे क्या है कि अपना टायर अगर निकाल चुके हैं, और भाई लुक दिखाते हैं आपको किस टाइप की लग रही है।
तो दोस्तों फाइनली हमने ये हटवा दिया और उसके लुक भी आपको दिखा रहे हैं, तो भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रही है। और अगर टायर थोड़ा सा चौड़ा होगा तो भाई और भी मस्त आएगी, निखर के आएगी, क्योंकि भाई अभी जब इतना कम चौड़ा टायर है तब इतना मज़ा आ रहा है इसको चलाने में और देखने में, और चौड़ा टायर कर लेंगे तो भाई और भी ज़्यादा मज़े आएंगे। और आप बताओ आपको कैसी लग रही है, तो भाई एक बार इसको हम आपको चला के भी दिखाते हैं भाई चलाने के बाद पीछे से क्या लुक आ रही है। तो अगर आपको अच्छी लगती है भाई आप भी हटा सकते हो, और वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए इसको एक बार चला के दिखाते हैं पीछे कि पीछे से कैसे आपको लुक नज़र आएगा चलाने के बाद, और हटा देंगे और आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्जी मोटर टायर इसमें लगवा सकते हैं, मॉडिफिकेशन कराओ भाई बढ़िया से बढ़िया। और आपको पता ही है जैसे कि मैंने बताया कि भाई अपनी स्प्लेंडर है वो भी सर्विस हो चुकी है, उसमें भी मॉडिफिकेशन करवाएंगे, जो जो आप बोलोगे वो करवाएंगे। एक बार बस बता दो भाई क्या कराना है। तो भाई आप यहाँ से देखेंगे तो भाई साइड व्यू कुछ इस टाइप का आपको नज़र आने वाला है, जैसे कि आप देख रहे होंगे चेन सारी नज़र आ रही है आपको, ओपन चेन नज़र आ रही है, क्योंकि भाई जो टायर अगर है हटने के बाद पूरी चेन व्हील जो नज़र आ रहा है, उसके बाद हम थोड़ा सा इस साइड जाएंगे तो इस टाइप से है, और इस साइड से देखेंगे तो भाई ये लुक आ रही है नज़र इसमें। और इसके बाद क्या है भाई और मज़ा कब आएगा, जब ये जो टेल टाइडी है इसको हम थोड़ा छोटा वाला लगवाएंगे, तो छोटी टेल टाइडी के साथ और भी टायर नज़र आएगा, फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो धीरे धीरे भाई सब चीज़ करेंगे, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तो ऐसी मॉडिफिकेशन की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो भाई वीडियो को लाइक भी करें। तो अब एक बार चला के दिखाते चलाने के बाद कैसी लुक आने वाली है इसमें। पीछे से इसका कैसा दिखता है, चलो भाई तो भाई आज की ये थी वीडियो अपनी, जो कि हमने अपनी जो N250 का है टायर अगर हटा दिया है, और भाई टायर अगर हटाने के बाद जो लुक आ रहा है भाई वो आपको दिखाया है, और डिफरेंट एंगल से दिखाया है भाई। और इसमें अगर टायर चौड़ा करके लगाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई जब टायर चौड़ा कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा विजिबल होगा। तो भाई इसमें टायर भी चौड़ा कराएंगे, सब चीज़ कराएंगे, मॉडिफिकेशन वगैरह। तो क्या है कि भाई अभी चल रहे हैं घर को, क्योंकि पूरा दिन हो गया है। पहले भाई अपनी स्प्लेंडर की सर्विस कराई,
सर्विस कराने के बाद इसका टायर अगर हटाया सब चीज़ वो घर पे रख के आए, फिर आए इधर। और भाई इस टाइम क्या है भाई, बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो हमने बोला क्यों ना आप घर चला जाए, और घर पे चलने के बाद खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे। और भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है, और यही अगर अभी गर्मियाँ होती तो भाई हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लगती। और भाई अभी तो काफ़ी मज़े आ रहे हैं राइड करने में, क्योंकि धूप भी खिली हुई है, आराम से धूप निकली हुई है। तो चलते हैं भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। तो भाई और कोई मॉडिफिकेशन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, कुछ भी पूछना पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग के साथ। मिलते हैं एक और नई राइड पर, जब